हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज का ये पार्ट 25 है। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके गाइज पिछले पार्ट देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था गाइज, क्वेश्चन ऑफ द डे, वो था पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। छत्रपति जोशी, सुनील छेत्री, भैरवदत्त जोशी, लक्ष्मण सिंह जंगपांगी। तो ये जो चार ऑप्शन है इनमें से किसकी बात चल रही है गाइज, उत्तराखंड के, ठीक है। उत्तराखंड से पद्मश्री इन चारों में से किसको सर्वप्रथम मिला था। तो आपका आंसर हो जाएगा छत्रपति जोशी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गाइज आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें भैरवदत्त जोशी की गाइज, तो भैरवदत्त जोशी ये एक आर्मी मैन थे। सुनील छेत्री आपको पता ही है, फुटबॉलर हैं। उसके बाद अगर बात करें लक्ष्मण सिंह जंगपांगी जी की, तो देखिए मैंने इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट की है। वॉज एन इंडियन सिविल सर्वेंट, ये क्या थे, एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे एंड अ फॉर्मर इंडियन ट्रेड एजेंट एट गारटोक एंड याटुंग रीजन्स, ठीक है। गारटोक और याटुंग रीजन्स पे ये क्या थे, फॉर्मर इंडियन ट्रेड एजेंट भी थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 24 जुलाई 1905 एट बुरफू इन दी जोहार वैली ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। जो उत्तराखंड की जोहार वैली है गाइज, वहाँ पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। टू राय साहब सोहन सिंह, तो इनके पिताजी का नाम सोहन सिंह था। अ रिच ऑफिशियल ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि क्या थे, एक ऑफिसर थे कहाँ पे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई गाइज ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छत्रपति जोशी। अब बढ़ते हैं गाइज आज की वीडियो पे हमारी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आज जो गाइज क्वेश्चन रखे हैं वो ज़्यादातर ऊर्जा संसाधन से रखे हुए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। कोटली भेल जल परियोजना, विष्णुप्रयाग, मनेरी भाली, टिहरी जल विद्युत परियोजना। तो गाइज सबको पता है आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ऑप्शन नंबर डी, टिहरी जल विद्युत परियोजना आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बात करें गाइस, देखिए तो भागीरथी और भीलंगना नदी के संगम पर स्थित 260.5 मीटर ऊंचा काफर बांध है, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला देखिए किस नदी के संगम पर है, तो भागीरथी और भीलंगना नदी के संगम पर हमारा टिहरी बांध बना हुआ है। कितनी ऊंचाई है इसकी, 260.5 मीटर इसकी ऊँचाई है। एशिया का सबसे ऊँचा, दुनिया का चौथा सबसे ऊँचा। अगर पूछे एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो आपका टिहरी आंसर हो जाएगा। और दुनिया में कौन से नंबर पे है गाइस, चौथे नंबर पे। अब वहाँ पर एक ऑप्शन में था कोटली भेल, तो याद रखिएगा ये टिहरी में है, गंगा नदी के किनारे ये पर है। और कितने वाट की बिजली उत्पन्न होती है इससे, 1000 वाट। अगर मैं टिहरी की बात करूँ गाइस, अगर टिहरी से पूछे तो 2400 वाट याद रखिएगा, ठीक हो गया, 2400। उसके बाद विष्णुप्रयाग विद्युत परियोजना की बात करें तो ये चमोली में स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, अलकनंदा नदी के किनारे। और 650 मेगावाट की यहाँ से क्या होता है, बिजली का, विद्युत का उत्पादन होता है। नेक्स्ट अगर बात करें गाइज मनेरी भाली, तो मनेरी भाली जो है ये है आपके उत्तरकाशी में। किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर। 480 मेगावाट का यहाँ से क्या होता है, विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है गाइज। तो इतनी इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ पर। यहाँ पर कोटली भेल पे देखिए गाइज, ये 1000 वाट लिखा हुआ है, मेगावाट होगा, ठीक है, इसे मेगावाट करिएगा। और तो इतना हो गया, टिहरी का आपका 2400 मेगावाट, कोटली भेल 1000, विष्णुप्रयाग 650 मेगावाट, मनेरी भाली 480 मेगावाट। इतनी इन्फॉर्मेशन होगी गाइज इस क्वेश्चन से। आप चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यासी बांध परियोजना किस नगर के समीप स्थित है। मसूरी, देहरादून, नैनीताल या फिर हरिद्वार। तो गाइज जो व्यासी बांध परियोजना है ये हमारी किस पर, कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपके देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा बांध होगा। लखवाड़ बांध, किसाऊ बांध, व्यास बांध या फिर टिहरी बांध। तो अभी मैंने आपको बताया एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, अब ये ऊँचाई के हिसाब से बोल रहा है ये याद रखिएगा, ठीक है। और विश्व का चौथा सबसे ऊंचा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टिहरी बांध। बाकी बात की बात करेगा इस, तो देखिए राज्य में जो ऊंचे बांध हैं, कालागढ़ जो है पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है, किस नदी पर है, रामगंगा नदी पर। इसकी ऊंचाई 126 मीटर है।
और जो संग्रहित जल है, मतलब इसका जो डैम है गाइज उसमें कितना जल आ सकता है, तो इसमें जल आ सकता है 2369×10^6 घन मीटर। ठीक है, सब में 10^6 लगा हुआ है तो याद रखिएगा। कोठार बांध कहाँ पर स्थित है, किस नदी पर, तो याद रखिएगा कहाँ पर है, कोसी नदी पर। ऊंचाई 155 मीटर इसकी ऊंचाई है, 4080×10^6 घन मीटर इसमें क्या है, जल संग्रहित हो सकता है। किसाऊ बांध की बात करें तो किसाऊ बांध कहाँ पर है, देहरादून में। किस नदी पर है, टॉन्स नदी पर। कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो 236 मीटर की ऊंचाई पर। उसके बाद संग्रहित जल इसका गाई 2400×10^6 मीटर क्यूब है। टिहरी सबको पता है, भागीरथी और भीलंगना आ जाएगा, टिहरी में स्थित है। कितनी मीटर की ऊंचाई पर, 260.5। जल संग्रहण की अगर बात करें तो 3539। लखवाड़ बांध कहाँ पर है, देहरादून में। किस नदी के किनारे पर है, यमुना नदी के किनारे पर है। 192 मीटर की ये हाइट पर है गाइज, और 580×10^6 घन मीटर इसकी क्या है, जल संग्रहण शक्ति है। ठीक है, ऊंचाई से मतलब क्या होता है गाइज, ये नीचे आपके ग्राउंड लेवल से जहाँ पर इसका क्या होगा संग्रहण, ये डैम बना होगा। ठीक है, ये जो होती है ये हाइट कहलाती है, तो ये याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलाराम की कलाकृतियों को प्रकाश में कौन लाया था, गुमानी पंत, मुकुंदी लाल, शेखर पाठक या फिर शिव प्रसाद। तो सबको पता है जो मौलाराम की कलाकृतियां हैं गाइज, उनको प्रकाश में कौन लाया था, हमारे मुकुंदी लाल, बैरिस्टर मुकुंदी लाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मुकुंदी लाल की बात करें तो मुकुंदी लाल को गढ़वाल के भीष्म पितामह भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़वाल का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो मुकुंदी लाल जी को कहा जाता है। अब ये कहा किसने था, तो गोपाल रेड्डी जी ने कहा था। ठीक हो गया, अपनी एक पुस्तक में। कुशल शिकारी थे ये गाइस, देखिए ये चित्रकार तो थे ही, ठीक हो गया, उसके बाद राजनीतिज्ञ थे ही। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर आपका क्वेश्चन बने, अगर इनका शिकारी से रिलेशन था, मतलब ये शिकारी भी थे, तो आपका ऑप्शन में क्या है, अगर है तो आप उसे करेक्ट कर दोगे। ठीक है, इन्होंने 5 शेर और 23 बाघों को क्या किया था, मारा था। अब मारना इज़ द सेंस, ये नहीं कि वो कर लिया, ठीक है, जब जैसे आपने देखा होगा ना, जब ये कहाँ पे आ जाते हैं, आपके जंगली जानवर गांवों पर आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में मारा जाता है, जब ये ज़्यादा मानवों को क्षति पहुँचाते हैं। नेक्स्ट है, 1969 में भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने गढ़वाल पेंटिंग्स नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। तो गढ़वाल, अब देखिए क्वेश्चन अगर ये बनता है, गढ़वाल पेंटिंग्स का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया, भारत सरकार के प्रकाशन विभाग के द्वारा। ठीक हो गया, मौलाराम स्कूल ऑफ गढ़वाल आर्ट की स्थापना का श्रेय किसके पास जाता है, हमारे मुकुंदी लाल जी को जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी परियोजना आरंभ में कितने वॉट की थी, 500 वॉट, 600 वॉट, 700 वॉट, 900 वॉट। ठीक हो गया, तो गाइस देखिए, अभी मैंने बताया 2400 मेगावाट का हम क्या करते हैं, इससे बिजली का उत्पादन करते हैं, बट आपसे पूछा जा रहा है जब स्टार्टिंग में था तो तब कितने की यहाँ पर बिजली का उत्पादन होता था, तो गाइस आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 600। ठीक हो गया, आप देखिए अगर अभी मैं बात करूँ गाइस, जो मैंने आपको बताया इसमें अभी कितनी है, 2400 मेगावाट है। अब ये 2400 मेगावाट ना पूरे का पूरा एक ही साथ नहीं है इसके लिए, ठीक है, ये भी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो आपका जो टिहरी मेन बात हो गया वही हो गया, इसमें कितने की होती है, 1000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है यहाँ से। दूसरा जो है गाइज, ये आपका पड़ जाता है जो पंप स्टोरेज है, टिहरी पंप स्टोरेज, ठीक हो गया, वहाँ से भी हम कितने की करते हैं, 1000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन वहाँ से किया जाता है। जो थर्ड पार्ट है इसका, अब 2000 मेगावाट हो गया, तो 400 मेगावाट का जो उत्पादन किया जाता है ये कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना के तहत किया जाता है। ये भी किसके अंतर्गत आ जाता है, टिहरी परियोजना के अंतर्गत ही आ जाता है। तो 3 पार्ट में ये ऐसे डिवाइड है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कैसे ये डिवाइडेड है, कैसे हम एनर्जी मतलब प्रोड्यूस करते हैं या कैसे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, तो 1000 और 400 की 3 अलग अलग क्या करती हैं यहाँ पे, परियोजना इसके अंतर्गत रन करती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ऊर्जा का सर्वप्रथम स्रोत क्या है, तापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत या भूतापीय ऊर्जा। तो हमें पता है गाइज, अगर उत्तराखंड की बात करें तो बहुत सारी नदियों का, देखो मेन अगर हम गंगा नदी की ही बात करें, ठीक हो गया, तो आपका क्या
गंगा हो गई, यमुना नदी हो गई, ये सारे कहाँ से होते हुए जाते हैं हमारे उत्तराखंड से, इनका क्या हो जाता है उत्तराखंड से आगे हमारे देश में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो कौन सी वाला ऊर्जा यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा मिलती है? जल विद्युत। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, पहाड़ का गांधी कहा जाता है, यशवंत सिंह ठाकुर दत्त, जसवंत सिंह बिष्ट या फिर इंद्रमणि बड़ौनी। तो पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है गाई, जसवंत सिंह बिष्ट जी को पहाड़ का गांधी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इचारी बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? ऑप्शन है आपके शारदा नदी, भागीरथी नदी, रामगंगा नदी या फिर टॉन्स नदी। तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा इचारी बांध है ये टॉन्स नदी पर स्थित है। तो गाइज आपका आंसर क्या हो गया, टॉन्स नदी, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध मनेरी भाली बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? भागीरथी नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी या फिर शारदा नदी। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी नदी। ठीक हो गया, मनेरी भाली बांध परियोजना कहाँ पर है, भागीरथी नदी के किनारे पर है। और अगर आपसे ज़िला पूछे तो ज़िला याद रखिएगा उत्तरकाशी ज़िले में, कौन से ज़िले में, उत्तरकाशी। अब गाइज ये जो मनेरी भाली है ये भी क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक हो गया, जो मनेरी भाली परियोजना है दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट वाले में 90 मेगावाट का उत्पादन होता है और मनेरी भाली सेकंड में आपका 304 मेगावाट का उत्पादन होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, देखो अगर उसने पूछा मनेरी भाली परियोजना फर्स्ट तो आप 90 मेगावाट बोलोगे, सेकंड पूछेगा तो आप 304 बोलोगे, और अगर वो केवल मनेरी भाली पूछ रहा है तब आपका आंसर हो जाएगा 480 मेगावाट। ठीक हो गया, तो ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन किस संदर्भ में, मतलब किस टाइप से पूछा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिहरी परियोजना के सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था 1972, 1975, 1980 या फिर 1978। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन तो आपका यहीं पर बन जाएगा, जो टिहरी परियोजना थी ठीक है उसके क्रियान्वयन हेतु किस देश के साथ हमारे देश ने क्या किया था, समझौता किया था, मतलब MOU साइन किया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, USSR रसिया। ठीक हो गया, अब कब किया था ये समझौता जो हुआ था, ये हुआ था 1978 में। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा गाइज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया, जब क्या था गाइज, ये देखो जब उस समय क्या था, उत्तराखंड अलग हुआ नहीं था जब ये बन रहा था, तो उस समय ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था टिहरी वाला जो पार्ट है। तो 1972 में योजना आयोग ने टिहरी बांध को क्या दे दी थी, संस्तुति दे दी थी, मतलब ये पास कर दिया था योजना आयोग ने। फिर क्या होता है 1978 में गाइज सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश का जो है वो इसके बांध के निर्माण कार्यों को अपने हाथ में ले लेता है, बट फिर इनसे काम को पूरा होता नहीं है, तो फिर क्या करती है केंद्र सरकार को बीच में आना पड़ता है और 1988 में केंद्र सरकार इसके निर्माण कार्य का जिम्मा अपने हाथों में ले लेती है। ठीक हो गया, और फिर उसी के बाद क्या होता है, केंद्र सरकार के द्वारा 1989 में THDC का क्या किया जाता है, गठन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, THDC टिहरी जल बांध निगम, ठीक है टिहरी जल बांध निगम की स्थापना कब की गई थी, तो 1989 में की गई थी, और तब से फिर ये फिर क्या करा, पूरा का पूरा काम THDC ने इसका संभाला। तो इतनी इन्फॉर्मेशन होगी गाइज इसके साथ। तो 1978 रशिया ने समझौता किया था, ये याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका, राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कौन सी है, टिहरी, लखवाड़, कालागढ़ या कोठार। तो आपको बताना है, देखिए कृत्रिम झील की बात चल रही है तो क्षमता से क्या मतलब होता है गाइज, क्षमता का मतलब है उसकी कैपेसिटी कितनी है वाटर को संग्रहित करने की। ठीक हो गया, अब अगर हम इसका बात करें, अब क्वेश्चन में कई बार जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करते हैं कि टिहरी बड़ा बात देखते थे तो टिहरी ऑप्शन में लगा देते हैं, बट वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि टिहरी की जो कैपेसिटी है वाटर स्टोरेज की गाइज वो मैंने आपको बताई 3539 है। ठीक हो गया, ये गुणा 10^6 मीटर क्यूब। बट जो आपका कोठार बांध है, ये कोठार की जो है गाइज ये है 4080 × 10^6 मीटर क्यूब। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कोठार। अब अगर क्वेश्चन पूछे कोठार किस नदी के किनारे पर बना हुआ है, तो याद रखिएगा कोठार जो बांध है किस नदी पर है, कोसी नदी पर बना हुआ है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई ये। ठीक हो गया,
अगर बात करें लखवाड़ की, तो लखवाड़ देहरादून में है, मैंने बताया आपको, यमुना नदी के किनारे पर है, और इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो तो कमी है, 580 इसकी स्टोरेज क्षमता है। ठीक हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ऑप्शन और बच गया गाइस, यहाँ पे कालागढ़ बचा हुआ है। देखिए अगर कालागढ़ की बात करूँ तो पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है सबसे पहले, तो यही हो गया। नदी आपको पता है कौन सी वाली, रामगंगा नदी पर बना हुआ है, ठीक है, और इसकी जो स्टोरेज क्षमता है वो 2369×10⁶ मीटर क्यूब है। तो कोठार याद रखिएगा, देखिए दो क्वेश्चन याद रखना, ऊंचाई में जब भी बोले तो टिहरी पे चले जाओगे, अगर संग्रह राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली, ठीक हो गया, क्षमता वाली कृत्रिम झील बोले तो तब क्या आ जाएगा, कोठार आपका इसका क्या हो जाएगा गाइज, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलकनंदा जल विद्युत परियोजना किन नदियों पर बनी है, भागीरथी और भीलंगना, मंदाकिनी और भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी, इनमें से कोई नहीं। ठीक हो गया, अगर अलकनंदा जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये गाइज कहाँ पर है, आपके पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक हो गया, अलकनंदा नदी के किनारे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करें, पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर में स्थित है, सीधे 3000 करोड़ की लागत हुई थी। ठीक हो गया, 3000 करोड़ की क्या है इसकी लागत, वर्ष 2013 में प्रसिद्ध माँ धारी देवी मंदिर के स्थान को परियोजना के दायरे में आने के कारण मंदिर का ऊपर उठाने का निर्णय लिया गया, जिसका काफ़ी विरोध भी हुआ। वर्ष 2015 में इस प्रोजेक्ट के पूर्ण होने के बाद विद्युत उत्पादन आरंभ हुआ। तो वहाँ पर क्या पड़ रहा था गाइज, मंदिर पड़ रहा था, किसका, माँ धारी देवी का मंदिर पड़ रहा था, तो उसी लिए ये बीच में कुछ रुक गया था, बट 2015 में इसका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट हुआ और उसके बाद अब इससे क्या हो चुका है, मतलब विद्युत उत्पादन स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड के किस जिले की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। तो जमरानी बांध से जो बना हुआ है गाइज, पूछ रहा है कि जमरानी बांध से कौन कौन से उत्तराखंड के जिलों को सिंचाई व्यवस्था मिलती है, देहरादून, पिथौरागढ़, नैनीताल या फिर चंपावत। तो आपको सभी को पता है जमरानी बांध कहाँ पर है, नैनीताल में ना, तो नैनीताल ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप बात करें इसकी और, तो देखिए 1970 के दशक में प्रस्तावित परियोजना से उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों को इससे क्या मिलती है गाइज, पेयजल और सिंचाई दोनों की सुविधा मिलेगी। अब इस ऑप्शन में तो नैनीताल था, अगर वो पूछे सिंचाई और पेयजल किसे मिलता है, नैनीताल ऑप्शन में ना दे, यूएस नगर दे, तो तब आप यूएस नगर को टिक करिएगा, ठीक है। इसके अलावा 14 मेगावाट की इससे क्या की जाती है गाइज, बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। नैनीताल ज़िले में किस नदी पर स्थित है, तो गौला नदी पर ये बांध बना हुआ है। 9 किलोमीटर लंबा है, 130 मीटर चौड़ा और 485 मीटर ऊंचा ये बांध है, ठीक है गाइज। अब देखिए गाइज, यहाँ पर ना जो हाइट लिखी है 485 मीटर, ये आप अपने टिहरी बांध वाले, जैसे हम बोलते हैं 260.3 वाली 5 मीटर हाइट है, तो आप ये ज़्यादा हो गई, ये हाइट अलग है, ये जो बांध वाली हाइट है, अगर इस बांध की हाइट की बात करोगे तो इसकी 130 मीटर हाइट है, ठीक हो गया। ये आपकी स्टोरेज के अकॉर्डिंग अलग है, तो अगर नॉर्मली बांध की हाइट पूछ रहा है तो 130 मीटर, जैसे टिहरी की 260 मीटर है, इसकी 130 मीटर है, ठीक हो गया। अगर पूछे कब सेंशन हुई थी, तो 1970 के दशक में प्रस्तावित हो गई थी, आपने देख लिया, ठीक है। और उत्तराखंड में सेंशन इसे आई थिंक 2005 के आसपास मिल गया था। नेक्स्ट बात करें, अगर अगस्त 2017 में राज्य की पहली कोऑपरेटिव महिला बैंक की शाखा किस शहर में खोली गई, तो आपको बताना है महिला कोऑपरेटिव बैंक सबसे पहला कहाँ खुला, श्रीनगर, पंतनगर, हरिद्वार या देहरादून। तो आपका आंसर आ जाएगा देहरादून, ठीक हो गया। देहरादून के कहाँ पर स्थित है, अगर ये पूछे गाइज, तो बंजारा वाला, ठीक है, बंजारा वाला में। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था, कब, अगस्त 2017 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, भारत नेपाल की संयुक्त पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नगर के समीप काली नदी पर निर्माणाधीन है, उत्तरकाशी, टिहरी, धारचूला या देहरादून। तो सभी को पता है पंचेश्वर जल परियोजना, उत्तरकाशी गढ़वाल वाला रीजन आ गया, टिहरी भी वहीं हो गया, देहरादून में है नहीं, तो ऑप्शन कौन सा बच गया आपका, धारचूला। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखिए अगर इसकी बात करें, तो 1996 की संधि के अनुरूप भारत और नेपाल सरकार की
6840 मेगावाट की यह परियोजना काली नदी पर बनाई जाएगी। ठीक हो गया गाइस, देख सकते हो आप, अगर ये बन जाती है आपकी पंचेश्वर जल विद्युत परियोजना, आपकी जो अभी टिहरी बांध की मैं बात कर रहा हूँ उसकी कैपेसिटी, उसकी क्या है 2400 मेगावाट का जल उत्पादन हम कर सकते हैं, तो उससे तीन गुने से भी ज़्यादा मेगावाट बिजली उत्पादन, मतलब बिजली की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया, कितने की है देख सकते हो, 6840 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, इसका बांध टिहरी से क्या होगा, ढाई गुना बड़ा होगा, जो टिहरी बांध है उससे ढाई गुना ये बड़ा होगा। तो इतनी इन्फॉर्मेशन ये हो गई। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है गाइज, वो है राज्य के जुबिन नौटियाल किस क्षेत्र से संबंधित हैं, कला, खेल, संगीत, इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है, जिसका आंसर हम देंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तो गाइज, इसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन और देनी है, संडे को आपको पता है, ठीक है, 2 बजे दोपहर में क्या होता है, वन दरोगा का लाइव टेस्ट होता है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, ठीक है, जो कि आपके प्रॉपर एग्ज़ाम के बेसिस पे होते हैं। जैसे एग्ज़ाम का सिलेबस है आपका, जो न्यू सिलेबस रिलीज किया है UK SSC ने गाइज, उसी के अकॉर्डिंग है 100 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं। तो इसको आप ज्वाइन कीजिए 2 बजे, और साथ में अगर आपको कोई भी नोट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे नंबर वैसे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बता देता हूँ 8218642689, इस पर आप व्हाट्सएप पे गाइज कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।